कल भी, आज भी, देश का नंबर वन सिर्फ एक आज तक। भैया ये एमपी है और ये तस्वीरें सागर की है। भैंस चली जा रही है और जिस बैरिकेड को पुलिस वालों ने ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए लगाया था वो भी भैंस की पीठ पर चला जा रहा है। जो देख रहे हैं वो हैरान है। लोग सोच रहे हैं कि आखिर भैंस की पीठ पर ये कैसे पहुंच गया। ट्रैफिक विभाग के अधिकारी उन पर नाराज हो रहे हैं जिसने ये वीडियो बनाया है। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि आगे से पहिए वाला स्टॉपर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये वीडियो मैंने देखा हुआ है। ये वीडियो जो है नगर निगम कमिश्नर के रेसिडेंस के सामने से लेके कंट्रोल रूम तक का के बीच का वीडियो बना हुआ है। और जो ये स्टॉपर इसमें दिखाई गया है, ये स्टॉपर जो है नगर निगम कमिश्नर रेसिडेंस से सिटी मजिस्ट्रेट रेसिडेंस के बीच का जो रोड है जो कि पुलिस लाइन तरफ जाता है, उस रोड पर जो है निर्माण कार्य चलने के कारण पूरा रोड बंद कराया गया था। और ये स्टॉपर वहीं लगे हुए थे। संभवतः जो ये भैंस की टोली निकली है वहाँ से, तो रोडों पर निकलने के कारण जो है ये भैंसों की टोली के उसमें जो है ये भैंस आ गई और जिसके कारण जो है वो भैंस उस स्टॉपरों को लेती हुई, चूँकि वी सेफ में था वो, तो उसकी पीठ पे फिट हो गया और उसके कारण वो चलता रहा। अच्छा ये रहा कि उस स्टॉपर में पहिए लगे हुए थे, अन्यथा जो है भैंस इंजर्ड हो जाती उसमें और उसको काफ़ी खून भी निकलता। मेरा लोगों से ये कहना है कि जो इस टाइप के वीडियो को जिन्होंने मजाक के तौर पर बनाया गया है, ये जो है पूर्णतः गलत है। अगर इनको ऐसी कोई चीज़ दिख रही थी तो तत्काल जो है उस भैंस को उस स्टॉपर से मुक्त कराना चाहिए था, जैसा आपकी बाद में करवाया गया है। और अगर मुक्त नहीं कराते, अगर उसमें पहिए नहीं लगे होते, तो निश्चित भैंस को जो है काफ़ी इंजर्ड होती, काफ़ी चोट लगती और कोई भी घटना घट सकती थी। सर, जो चैन वाले स्टॉपर है उनको शायद अब यहाँ से हटाया गया है और चैन वाले स्टॉपरों को, चूंकि ये घटना घटी है, जानवर उसमें फंसा है, तो निश्चित ही उसमें जो है प्रिकॉशन लिए गए हैं और ऐसे स्टॉपरों का उपयोग जो है अन्य जगहों पर करेंगे, रोड बंद करने में नहीं करेंगे। दरअसल नगर निगम कमिश्नर और पुलिस लाइन के बीच रोड का काम चल रहा था, जहाँ रोड को बंद करने के लिए पहिए वाले ट्रैफिक स्टॉपर रखे हुए थे। इसी दौरान भैंस स्टॉपर में घुसी और स्टॉपर भैंस की पीठ पर आ गया। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को शेयर कर मजे ले रहे हैं और कह रहे हैं कि जब स्मार्ट सिटी सागर का ये हाल है तो फिर दूसरे छोटे शहरों की हालत कैसी होगी। सागर से हिमांशु शिवा पुरोहित की रिपोर्ट, एमपी तक।